हेलो दोस्तों, आप सभी का सरस्वती विद्या एजुकेशन में स्वागत है। सीबीएसई ने 12th बोर्ड की परीक्षा रद्द किए जाने की तमाम खबरों को खारिज करते हुए परीक्षा लेने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए सीबीएसई स्कूलों में जल्द ही ऑनलाइन प्रैक्टिस सेट शुरू किए जाएंगे। वर्तमान हालत में अब सीबीएसई कक्षा 12th बोर्ड परीक्षा 2021 किसी सूरत में रद्द होती हुई नहीं दिख रही है। इस बीच सीबीएसई स्कूलों का बड़ा फैसला सामने आया है। वे 12वीं बोर्ड के छात्रों और अभिभावकों की परीक्षा संबंधी चिंता दूर करने में जुट गए हैं। बीते दिन केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक द्वारा विभिन्न राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ बैठक के बाद सीबीएसई कक्षा 12वीं को रद्द करने की घोषणा नहीं करने के बाद स्कूलों ने बड़ा निर्णय लिया है। सीबीएसई से संबद्ध स्कूल कक्षा 12 के छात्रों के लिए ऑनलाइन अभ्यास परीक्षण का एक और सेट आयोजित करने की योजना बना रही है। यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि स्कूलों में गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई है, लेकिन सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों द्वारा उन छात्रों के लिए एक विशेष कार्यक्रम निर्धारित किया गया जो सीबीएसई कक्षा 12 बोर्ड परीक्षा 2021 में उनकी शंकाओं को दूर करने के लिए उपस्थित होने वाले हैं। स्कूल गर्मी की छुट्टी के बाद ऑनलाइन कक्षाएं शुरू करने के बाद परीक्षा कराने की योजनाएं बना रही है। 12वीं बोर्ड परीक्षा हर हाल में होगी। सीबीएसई हर हाल में लेना चाहती है 12वीं बोर्ड परीक्षा। उन्हें लगता है कि हर हाल में 12वीं के बोर्ड की परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए, भले ही इसमें कुछ देरी क्यों न हो। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक परीक्षा पैटर्न का उपयोग करके भी सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा 2021 ली जानी चाहिए। इसके पीछे बोर्ड का तर्क है कि 12वीं बोर्ड का रिजल्ट छात्रों के करियर का अहम पड़ाव है, इसे किसी सूरत में हल्के में नहीं लिया जा सकता। इधर सीबीएसई स्कूलों की राष्ट्र परिषद ने केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक से केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षा आयोजित करने का आग्रह किया है। भले ही कोरोना वायरस महामारी की स्थिति के कारण इसमें देरी हुई हो या फिर भले ही इसे रद्द करने की मांग की जा रही हो, बहरहाल सीबीएसई कक्षा 12 की बोर्ड परीक्षाएं आयोजित करने को लेकर स्कूलों में अब गतिविधियां बढ़ रही है। सीबीएसई स्कूलों की राष्ट्र परिषद का कहना है कि छात्रों के लिए कक्षा 12 का प्रमाण पत्र उनके उच्च शिक्षण संस्थानों में प्रवेश के लिए सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज माना जाता है। ऐसे में इस परीक्षा को रद्द करने से उनके करियर को लेकर उहापोह की स्थिति बन जाएगी। कई छात्र अपना साल बर्बाद होने के चलते निराश हो सकते हैं। अभिभावकों में भी अपना बेटा बेटी की पढ़ाई को लेकर फिक्र बढ़ जाएगी। अभी वैकल्पिक परीक्षा पैटर्न पर चर्चा किया जा रहा है। सीबीएसई स्कूलों की राष्ट्र परिषद की महासचिव इंदिरा राजन ने कहा कि सीबीएसई 12वीं बोर्ड परीक्षा में देरी होने पर भी परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। जरूरत पड़ने पर वैकल्पिक परीक्षा पैटर्न का उपयोग करके भी यह परीक्षा संचालित की जानी चाहिए। राजन ने यह भी कहा कि परीक्षा आयोजित करने के निर्णय से छात्रों और अभिभावकों दोनों की चिंता दूर हो जाएगी, क्योंकि कई छात्र अच्छी गुणवत्ता वाले पेशेवर संस्थानों में प्रवेश का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। सभी राज्यों के शिक्षा सचिवों के साथ उच्च स्तरीय बैठक के दौरान केंद्रीय मंत्री शिक्षा रमेश पोखरियाल ने लंबित कक्षा 12 की परीक्षाओं के मुद्दों पर राज्यों से सुझाव भी मांगे। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 4 मई से शुरू होने वाली थी, लेकिन कोरोना वायरस महामारी की दूसरी लहर के कारण स्थगित कर दी गई। शिक्षा मंत्रालय ने कहा कि 12वीं बोर्ड परीक्षा आयोजित करने के लिए 1 जून को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा द्वारा हालत की समीक्षा की जाएगी। रमेश पोखरियाल ने कहा कि कोरोना की दूसरी लहर ने शिक्षण संस्थानों को लंबे समय तक बंद रहने पर मजबूर कर दिया है। हालांकि हमने यह सुनिश्चित किया है कि छात्र विभिन्न पहलों के माध्यम से घर पर सीख रहे हैं। हमें उन आकांक्षी जिलों की जरूरत पर ध्यान करना चाहिए जहां एक डिजिटल अंतर है, ताकि हम स्थानीय निकायों, गैर सरकारी संगठनों और माता पिता और शिक्षकों को सशक्त बना सकें।